राजस्थान पेंशनर समाज बाड़मेर व वसुंधरा हॉस्पिटल जोधपुर के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को एक दिवसीय निःशुल्क परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। जैन भोजनशाला में आयोजित हुए शिविर का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर चिकित्सकों के सम्मान के साथ किया गया। शिविर में स्त्री रोग, हृदय रोग, न्यूरोलॉजी व हड्डी रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों ने मरीजों के स्वास्थ्य की जांच कर चिकित्सकीय परामर्श दिया। वसुंधरा हॉस्पिटल जोधपुर एवं राजस्थान पेंशनर समाज बाड़मेर के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को एक दिवसीय निःशुल्क जांच एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। स्थानीय जैन भोजनशाला में आयोजित हुए शिविर में बड़ी संख्या में मरीजों ने पहुंचकर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया। शिविर का आगाज मरीजों की उपस्थिति में सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन कर चिकित्सकों का पेंशनर समाज की ओर से साफा माला पहनाकर सम्मान किया गया। शिविर में वसुंधरा हॉस्पिटल की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पूर्वी शर्मा, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ललित मोहन राठी, न्यूरो विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद कुमार लाखेसर, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक विष्णु ने अपनी सेवा दी। पेंशनर समाज बाड़मेर के प्रचार मंत्री शंकर लाल मोदी के मुताबिक शिविर में 130 रोगियों को निःशुल्क जाँच की गई। वहीं शिविर में आए मरीजों को निःशुल्क बीपी, शुगर, ईसीजी भी की गई। शिविर में वसुंधरा हॉस्पिटल के नर्सिंग स्टाफ एवं व्यवस्थापक दिनेश कुमार ने अपनी सेवाएं दी। शिविर को संबोधित करते हुए चिकित्सकों ने मरीजों को होने वाली बीमारियों, उनके उपचार और उनसे बचाव को लेकर कई जानकारियां प्रदान की। शिविर में अलग से रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाकर मरीजों को रजिस्ट्रेशन किया गया। वहीं शिविर में रजिस्ट्रेशन के साथ मरीजों के स्वास्थ्य की जाँच कर उन्हें निःशुल्क परामर्श दिया गया। शिविर में चंदन सिंह, छगनलाल जोशी, चुनीलाल खत्री, लूणकरण जांगीर, नवीन सिंघल, जगदीश सिंह, कौशल जोशी, गजेंद्र बोहरा, घमडी राम खत्री, मेवा राम, रामकिशोर, शंकरलाल जोशी, उमाकांत व्यास, मग्गाराम खत्री व अरुण कुमार के साथ वरिष्ठ नागरिक सेवा समिति के अध्यक्ष मिर्चुमल कृपलानी, नीरज जोशी, एडवोकेट अंबालाल ने भी सहयोग किया। शिविर में पेंशनर समाज जिलाध्यक्ष जयकिशन जोशी ने पेंशनर समाज की ओर से सभी चिकित्सकों एवं अतिथियों का आभार प्रकट किया। मंच का संचालन डॉक्टर बी डी तातेर ने किया।